अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबा दीजिए और उसके बाद शेयर बटन दबाकर आप फैमिली रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए। राइट साइड वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा दीजिए। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद एक बेल आइकन आ जाएगा। बेल आइकन दबाने से आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे और उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध लिया है। अब इस स्पैचुला में आधा स्पून मैं यहाँ पर चीनी ले रही हूँ। इसका मतलब एक बड़ा टेबलस्पून आपको चीनी लेना है और इसको मीडियम से हाई पर रखकर इसको तब तक पकाना है जब तक कि पूरा गाढ़ा। जैसे ही दूध उबलने लगा है आप देखेंगे इसके ऊपर एक पतला सा मलाई जमने लगा है। आपको इसके ऊपर मलाई जमने नहीं देना है, इसको हर बार आपको साइड पर ऐसे उठा देना है और इसको बीच बीच में इसको ऐसे चलाते रहिएगा ताकि ये बाहर स्पिल ना हो जाए। तो मलाई को आपको इसके ऊपर जमा नहीं करना है और इसको तब तक हमें पकाना है जब तक ये एकदम गाढ़ा ना हो जाए। पर मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया है। ब्रेड को मैंने साइड से काट लिया है और बीच में से इसको स्लैंटिंग में काट लिया है। इस तरह से ब्रेड था चौकोना, तो इसको स्लैंटिंग में काट लिया है। तो इस तरह से ट्रायंगल शेप में इसको मैंने काट लिया है। अब इस पैन में हम थोड़ा सा घी डालेंगे। घी गरम हो चुका है। अब इन ब्रेड स्लाइसेस को हम दोनों तरफ से हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हमें सारे ब्रेड को गोल्डन ब्राउन होने तक अब इसमें मैं 1 से 2 चम्मच कंडेंस मिल्क डालूंगी। आप मिल्क मेड या फिर मिठाई मेड कुछ भी डाल सकते हैं। अब ये हो चुका है, गैस बंद कर देंगे। यहाँ पर ब्रेड टोस्ट मेरे तैयार है। ये बन चुका है एकदम गाढ़ा और क्योंकि ब्रेड सोक करता है दूध तो इसको मैंने पूरा गाढ़ा नहीं बनाया है, फ्लोई कंसिस्टेंसी में रखा है, ये आप देख सकते हैं। तो अब इसको हम ब्रेड के ऊपर डाल देंगे और 10 से 15 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से इसको सोक कर ले। पंद्रह मिनट हो चुके हैं और इसने सारा दूध अपने अंदर सोख कर लिया है। अब इसके ऊपर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैंने यहाँ पर पिस्ताशियो, इसको मैंने काट के रखा है, और बादाम को मैंने काट के रखा है। अब इसके ऊपर हम इसको गार्निश कर देंगे। और
और यहाँ पर जो 2 चम्मच बच गया है ये ड्राई फ्रूट के ऊपर हल्का हल्का हम डाल देंगे।